विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के नेतृत्व में सपा कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से जनसंपर्क और उनकी वोट बनवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार 2022 में भाजपा जाएगी और सपा आएगी। उन्होंने कहा कि लगातार किसान 10 महीने से धरने पर बैठा है और भाजपा सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी किसानों के साथ खड़ी होगी। इस बार किसानों और जनता समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगी। आदिल जी, किस किन मांगों को लेकर आज ये बैठक की गई है? क्या ना, हमारे पूरी पार्टी की एक मासिक मीटिंग होती है, महीने का पहला सैटरडे जो होता है, पूरे प्रदेश में मीटिंग होती है उसमें, तो उसमें जो भी हमारी पार्टी के कोई मुद्दा होता है या कोई पब्लिक की कोई दिक्कत होती है तो आज हम महीने के उसमें रखते हैं सैटरडे में, फिर उसको जो भी काम होता है उसको निपटा देते हैं। आजकल जो हमारा वोट का अभियान चल रहा है तो पार्टी का जो आदेश है, एक तो हमारा बूथ कमेटी का और वोट बनवाने का, तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि भी देखो 31 अक्टूबर तक वोट बनेंगी तो सभी लोग अपने बूथ पर रहें, वोट बनवाएं। और हमने ऑनलाइन भी हम फॉर्म जमा करा रहे हैं, अपने घर पे हमने लोग बिठा रखे हैं, तो जो BLO नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे यहाँ दे दो, हम उनको जमा करा देंगे। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी? देखो सब लोग लग रहे हैं, हमारे यहाँ 7 विधानसभा हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी हमारी 2022 में सरकार बनेगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से सरकार द्वारा 4.5 साल पूरे होने के बाद नए दावों के ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस सरकार ने तो कोई काम ही नहीं कराया, ये तो झूठों की सरकार है। आज गैस का सिलेंडर 900 रुपये पार है, आज पेट्रोल और डीजल का रेट 100 से ऊपर चल रहा है, आज सरसों का तेल 200 रुपये चल रहा है, आज सब लोग परेशान हैं। आपने देखा कोरोना महामारी हुई, दवाइयाँ नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कितने लोग बेचारे अपना इंतकाल हो गए इसके चक्कर में, क्योंकि दवाइयाँ नहीं। तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, ये झूठे लोग हैं। आज सड़कें देख लो आप, गड्ढे गड्ढे, किसान 10 महीने से अपना सड़कों पे बैठा बेचारा, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।